सभी दोस्तों को नमस्कार। जन्मदिन वालों को जो हार्दिक शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की। संडे की सुबह अब बज रहे हैं 7:45। आज के दिन की शुरुआत 7:45 बजे, ये थोड़ी ग्रूमिंग श्रूमिंग में थोड़ा सा टाइम लग गया। आज चारा जो है फटवाऊंगा जी, अब चल के ठाकर लेके आते हैं, कट गया होगा। जय हो चामुंडा माता जी। जी राम राम साहब। और घुमा लाम। हाँ यार रुकी, लेके आऊँ जरा। वो जो गन्ने की बत्ती ऐठी पड़ी है गर्मी की वजह से, एक बारिश हो जाएगी सही सी तो ये सब पत्ते जितने बंधे पड़े हैं ना ऊपर से खुल जाएंगे सभी। सूरज देवता गेर बदलते हुए अपने, ये तो चारा कटा नहीं है जी, भूखी छोड़ दी है। क्या हाल है चचा? यो तो बाहर ही रहेगा। यो है जी हमारे इनका मिस्टर चौधरी साहब का खेत तहरों का। अब ये इसमें थोड़ा बहम कर रहे हैं कि ना रोग लग गया कैसे, असल में खुशकी मान गया खेत। यू 3 दिन से ढोल खराब पड़ा है इसलिए पानी चला तो खेत मान करके पानी का। इसमें भी बोर दिलवाओ इसे, क्वार्टर वाटर दिलवाओ यार इसे देसी के। अंग्रेजी दे दो उससे तो बढ़िया तो बात ही रहेगी। और फिर देखो तुम इसका जोर, कीड़े जितने हैं वो सब पड़े हुए मिलेंगे जमीन पे। गाय भी नहीं खाएंगी थे, अब तो कहना ना खा रही गाय तुम्हारी, मौज आ गई भी अब। धान भी जी खुशक हो गए, ये तो पैर घास बतेरी हो गई इसमें पानी के अभाव की वजह से। बल्कि मोथा तो उससे ऊंचा ऊंचा और हो गया। अब 2 दिन में इनकी भरेगी, 2 ही दिन लगाएंगे जी हैं चाचा, 4 दिन उसके बाद मिलेगा पानी, मिलेगा तो 4-5 दिन तो मान ही लो। अब उधर से भरना पड़ सकता है खेत। हाँ भाई क्या हो गया, कैसे सींग ला रहे यार तू, मक्खी दिख कर रही है बेचारे को। तो ये अब बैठे हैं इस पेड़ की छाया में, हम तो इंतज़ार है बाजरा कटने का। बाजरा कट जाएगा तो ठाक लेके चलेंगे, पीछे खड़ी है ये उनकी। गर्मी के मारे बुरा हाल है गांव की, चीज़ देख के लगता है बारिश ना होगा, क्योंकि गांव में पानी जब बारिश तो खैर होएगी, जब बारिश होएगी तो पानी का पता ना कहाँ कहाँ भागेगा। और खेतों को देख के लग रहा है बारिश होगा तुरंत से पहले, दोनों कहानी है। वैसे मौसम जो है चल रही है पुरवाई, पीछे से हवा चल रही है पश्चिम पूर्व की दिशा में, वो चल रही है तो पुरवाई चल रही है ना, पछाड़िया चल रही है। हाँ कंफ्यूज हो गया मैं भी, पश्चिम से चल रही है पछाड़िया चल रही है पूर्व की तरफ को, खुशक हवा ये तो वैसे भी खुशी पैदा कर रहा है। चारा उतार दिया, हिटलर का ब्रेकफास्ट चल गया। अबे कहाँ लेके जाएगा पतंग भी से? सवर ना करते भी सवर साले के बाल इतने निकल रहे थे कि ऐसे खींचूंगा तो भी तमाम खड़ना है, ये कंघा मारना पड़ेगा ऐसे सही करके। तो चोरी साहब आए ट्रैक्टर लेकर, मोटरसाइकिल ले चल दी अपनी, अरे और चलाई थी लेके जा खेत पर हूँ। सही है ये डोरी वोरी तुमने लोग बनवाएंगे पहले जी हैं जो काया बटन है वाले वाले सोच भी। अरे वो है अंदर चलने वाला चलने घूमने वाला उसका मैटर है इसमें। अच्छा ये उसके एंटी प्रॉपिंग ऐसे है तो कोई से साइड वाले जा सकते हो और इसे कर दोगे तो चारों चलेंगे। सही है वो भोपाली बात ना है, इनमें पुरानी पुरानी स्पेंड है। इसका साइलेंसर बदलवा दियो को, जो बदलवाओ वैसा वाला लग भैया फटर फटर आवाज़ कर बढ़िया, जो पुरानी स्प्लेंडर के यहाँ है आवाज़ बढ़िया हो जाएगी। साल चलानी है फिर बेचते नहीं। हाँ तो चक्कर मत पड़ियो, नाम कर गई तो अब ना भी क्या मुझे लगेगा। हेलो ऐसे ही है जो भी ले ले तो ले ही लेगी। मीटर 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 पर रंग बिरंगी लाइटें जलती रहे तो दिखाई दे रही है, रात में सही दिखाई दे, अगली भी दिखाई दे रही है। हम्म
अब तुम नदी का दर्शन करवाते हैं, नदी में निकल के जाइयो आराम से, नदी में निकल के जाइयो। ट्यूबलेस ना टायर इसके अच्छा। चलो बीच में मत चलिए, थोड़ी साइड को चलिए हल्की सी, बीच में गड्ढा। अरे उस साइड को बोल ले गए। चलो ये तो नाटक चलेगा जी, पता ना कैसे चलेगा। अरे अच्छे कहाँ हैं, बाहर अंदर चलो। हाँ अब क्यों दिखाई दे, आज मार फेर दी साले को। यो जो है जी इसे छोड़ कर नहीं आया हूँ घर में, भी छोड़ दूंगा शामू को या कलूल को। तो जी शाम के बज रहे हैं 5, गर्मी है प्रचंड। राजू भाई साहब का फोन आया, उनके ट्यूबवेल पे कह रहे हैं यहाँ को आ जाओ, मैं क्या देख के आऊँ क्या कहना है। राम राम जी। लाइट भाग गई, लाइट भाज गई, अभी भाजी है। और ये पकड़ो स्ट्रॉन्ग क्या ही गई यार, लाइट आ रही है, कोई भी अंदर बैठ सकता। इसलिए बुलाया उन्होंने भाई साहब ने। प्रचंड क्या ही बताइए, C2H5OH का मामला है इसका, केमिकल इक्वेशन का पता कर लियो। बार-बार कुआं से लगा बंद कर मारा, चप्पल साला पानी में निकला भाग गया, अभी चप्पल ढूंढ दो। हां तो चप्पल इसकी चप्पल दोगे? अबे ये भाग गया साला, क्यों हमारा चप्पल ढूंढ लेंगे? तो जी उसे भेजा घर को, अब हम भी चलना है। जरा दखन देख गया मेरा एक वीक कैसी हो रही है। तो जी पहुंच गए ग्राउंड जीरो पे। आज संडे है, वैसे जिम तो गया रहा, उनके बता दूँ लाओ कभी कि रूटीन से हट के है। इसमें एक दवाई और देनी ही। अबे हाँ ये तो सूखने कगार पे खेत, और परसों ही भरा आयो, पछाड़िए चल रही है ना। ये तो गोलबा का भी सा हो गया, अब उसमें गीले में लगती है अभी वो पैर, कल तक तो और भी नमी हो जाएगी मामला। सुबह को दी जावे कायदे में, ये पहले भरूं से फिर एक बार और। एक तो ये वाली भी सही हो रही है बेचारी अपनी, पानी देखे और थोड़ा सा इंक्रीमेंट लग रहा है मुझे, इसमें बढ़ गई है। हर पानी पे जोर मार रहा है वैसे खेती, लेटे वाला है जिस हिसाब से लेटे का है, थोड़ा पीछा तो खैर पिछाया तो हो ही गया हल्का फुल्का, बस इसका ध्यान रखना। ये जीरो अड़ती सी है ना, ये भी कभी ये भी नमस्ते कर ले। तो ये अब यहीं बैठ गए हैं थोड़ी देर मोटरसाइकिल पर। ये रास्ता है, इस पर कोई आता जाता ज़्यादा ना है, क्योंकि रास्ता यहीं बंद है इस खेत पे हमारे पे आऊँ तो इसलिए कोई गाड़ी घोड़ी कुछ नहीं चलती है। अब ये जो घास है ना वो सब पतेल सी हो, ये खड़ी जाएगी बहुत बहुत ऊँची हो, यहाँ को तो चौमासे में तो निकलना भी झाड़ जावा है, सब में घास ओढ़ी घसोड़ जावा है इसमें। अजी कुल मिला के भयानक बो जाती है बरसात में, अगर ईखे बड़ी बड़ी आएंगी सब में इधर से, गाड़ी चलती ना है, मोटरसाइकिल भी पूरी तरीके ढंग से आ बना पाती है। सामने इधर भी सब अढ़ाया जा रहा है इकट्ठा चौमासे में, पिछली बार साल भी डाले वो वीडियो खैर चौमासे के, तो देखो अगर जो देखना हो तो। महाराज जी सूरज अपने प्रचंड तरीके से जहाँ भी होगा, इस टाइम दोपहर ही हो रही होगी वहाँ तो प्रचंड ही गर्मी हो रही होगी इस टाइम भी। हमारे यहाँ तो 2 घंटे पहले इनका प्रकोप थोड़ा सा हल्का हो गया है जब से, बाकी जी इस टाइम है थोड़ा आनंद, यहाँ ज़्यादा चकर चकर ना हो रही है, और हल्की फुल्की आवाज़ वहाँ से ट्रैफिक सी आ रही है। वो थोड़ी देर बैठते हैं ही, उसके बाद घर चल के वही खाना पीना
सोना। आज के ब्लॉग की तो करते हैं फिर यहीं पर समाप्ति, काफ़ी लंबा हो गया ठीक ठाक। चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। बाकी कुछ काम यूट्यूब के जिम्मे हैं तो वो जब करेगा जब दिखाऊंगा, करेगा ना करेगा जो भी होगा।